नमस्कार, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि अगर आपको अपने घर का काम को 3 तलत तक करवाना है तो कॉलम का साइज है वो क्या होगा और इसमें सरिया कितना के संख्या में देना है और कितना एमएम का देना है। बहुत सारा दिन से इस टॉपिक पे कमेंट्स आ रहा था, आज सही मौका है। आज मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के छत के ऊपर भी लेकर चलूँगा, दिखाऊंगा किस तरीके से सरिया का प्रयोग किया गया है और साथ में कॉलम का साइज़ क्या रखा गया है। जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि वो भविष्य में अपने घर को 3 तलत तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में वो 1 या फिर 2 तलत तक ही ले जाते हैं। लेकिन उसके लिए जब आप 3 तलक के साथ में 3 तलक के लिए प्लानिंग करते हो तो आपको नीचे से उसी तरीके से काम करवाते जाना होता है, जैसे कि आपको बीम हो गया और इसके साथ साथ ये कॉलम हो गया, तो उसी के अनुसार डिज़ाइन करते हुए आपको ले जाना होता है। कॉलम के बारे में तो जानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बीम के बारे में भी जानेंगे कि अगर आपको 3 तलक तक घर ले जाना है तो अगर जो बीम है, जो प्लिंथ बीम है, उसको कम से कम 9 इंची बाई 12 इंची का आपको देना होगा, जिसमें कम से कम 4 सरिया का प्रयोग करना होगा 12 mm का। यहाँ पे भी जो आप बीम देख पा रहे हो इसे 9 इंची बाई 12 इंची का ही रखा गया है, 4 सरिया का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है 12 mm का। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जो हमारा कॉलम होगा कम से कम उसका साइज़ क्या देना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम में भी 16 mm का सरिया लगाते हुए, 4 सरिया लगाते हुए घर को 2 या फिर 3 तलत तक ले जा सकते हैं या फिर ले जाते हैं, लेकिन वो जो है उतना सेफ नहीं है। अगर 3 तलत तक आपको ले जाना है तो कम से कम इस तरीके से कॉलम का इस्तेमाल आपको करवाना चाहिए। आइए जानते हैं कि इसमें लगा हुआ सरिया क्या है और इसका जो साइज़ है वो क्या है। दोस्तों, आप बहुत अच्छा तरीके से समझ पाओ इसलिए मैं आपको इस घर का जो कॉलम है यहाँ पहले सरिया दिखा देता हूँ, फिर अंदर चल के इसके साइज़ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जो सरिया आप देख पा रहे हो 1, 2, 3, 4 चारों जो देख पा रहे हो ये 16 mm का है, जो कि मेन बार यहाँ पे दिया गया है। सपोर्टिंग बार के रूप में यहाँ पे 12 mm का सरिया का प्रयोग है वो किया गया है। तो 2 सरिया सपोर्टिंग बार के रूप में यहाँ पे 12 mm, 4 सरिया यहाँ पे 16 mm का यूज़ किया गया है। कॉलम का साइज़ 12 इंची बाई 9 इंची का यहाँ पे आपको रखना है, कम से कम 3 तला घर के लिए। तो चलिए नीचे चल के मैं आप लोग को फिर से समझा देता हूँ कि आखिर कॉलम का साइज़ आपको किस तरीके से देना है। और आप देखिए, ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो ये 9 इंची बाई 12 इंची का है। इसका ये जो आप सरफेस देख पा रहे हो ये 9 इंच का है और इधर वाला जो सरफेस देख पा रहे हो ये 12 इंच का है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे ये 9 इंच का होगा, कहीं पे 10 इंच के आसपास में भी ये आ गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले ब्रिक वर्क का काम करते हुए उसके बाद में कॉलम का कास्टिंग है वो किया गया है। आप ऐसे काम करवा सकते हो, लेकिन जब भी आप इस तरीके से पहले ब्रिक वर्क का काम कराते हो बाद में कॉलम का काम कराते हो तो क्यूरिंग का आपको ध्यान है वो ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर आप शटरिंग के साथ में, चारों तरफ से शटरिंग के साथ में कॉलम का कास्टिंग करते हो, उसमें कम क्यूरिंग में भी आपका काम चल जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, जब आप ईंट जुराई के बाद में कॉलम का कास्टिंग करते हो, इसके बाद तराई का काम करते हो, अगला दिन पानी डालते हो, आपको पता है कि ये जो कॉलम है इसका पानी सोखने का जो क्षमता है वो ईंट से कम है। ईंट बहुत जल्दी पानी को सोख लेता है, तो जब आप क्यूरिंग के लिए इस पर पानी डालते हो ढलाई के 2रा या फिर 3रा दिन से, तो सारा पानी है वो जल्दी से सोख लेता है ईंट, फिर कॉलम ज़्यादा देर तक नमी इसमें बना हुआ नहीं रहता है। याद रखिए, कभी भी आपको पहले ब्रिक वर्क करवाते हुए बाद में कॉलम का कास्टिंग करवाना है, अच्छे तरीके से दिन में 2 से 3 बार आपको अच्छे तरीके से वहाँ पर क्यूरिंग आपको करना होगा। तो आज का टॉपिक था कि 2 से 3 तलक घर के लिए कम से कम कॉलम का साइज़ क्या रखना है। तो 3 तलक का जो घर है उसके लिए आपको 9 इंची बाई 12 इंची का कम से कम कॉलम का साइज़ रखना है। अगर और भी सेफ जोन में जाना चाहते हो तो 10 इंची बाई 14 इंची का जो कॉलम आता है उसके साथ आप 3 तलक के लिए चले जाइएगा। सरिया यहाँ पर इनफ था, 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm के साथ अपने घर का काम करवा सकते हो 3 तलक के लिए। बीम का मैंने बताया 9 इंची बाई 12 इंची। उम्मीद है कॉलम और बीम के बारे में ये जो जानकारी है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लेकिन एक बात अभी भी दोस्तों छूट रहा है, कॉलम के बारे में तो मैंने आपको ऊपर वाला हिस्सा था उसके बारे में बताया, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है जिसे हम लोग फुटिंग के नाम से जानते हैं, आपको पता है 3 तरीके से हम लोग फुटिंग करते हैं, सिंपल फुटिंग,
स्टॉप फुटिंग, उसके साथ साथ फिर स्लॉप फुटिंग। तो स्लॉप फुटिंग के साथ में आप काम करवा सकते हो। फुटिंग का जो साइज़ होगा दो तला तक के लिए तो 4x4 का फुटिंग से काम चल जाता है। तीन तला तक ले जाना तो कम से कम आपको 4.5x4 फीट का फुटिंग का काम करना होगा। ज़मीन से कम 4 से 4.5 फीट की गहराई है वो रखना होगा। तो इस तरीके से आप फुटिंग का काम कर सकते हो। उसमें कम से कम 10 mm का आपको जाली है उसका इस्तेमाल करना होगा। और इस तरीके से आप अपने घर को मजबूती के साथ साथ टिकाऊ बना सकते हो। तीन तला तक आप ले जा सकते हो अगर 9 इंच x12 इंच के कम से कम कॉलम आप देते हो। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक तो कर ही लीजिएगा, ना पसंद आया होगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन दोनों केस में आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला दिन में आपको घर बनाने से संबंधित वीडियो डायरेक्ट साइट से निराला कंस्ट्रक्शन से दिखाया जाता रहेगा। तो बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।